वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे और हम सब भी माता की कृपा से, देवी मैया की कृपा से हम सब भी सही हैं। इसमें हमने दो दिन की छोटी छोटी वीडियो डाली है, दूसरे और तीसरे नवरात्रों की, और सुबह के टाइम परी जब स्कूल जाती है तो यह दिया जला जाती है देवी के सामने, और फिर इसके जाने के बाद मैं पूजा करती हूँ और क्यारी वगैरह जलाती हूँ, उसमें सामग्रियाँ जलाती हूँ और पूरे घर में इस सामग्री की धूप दिखा देती हूँ ताकि हमारे घर में से पॉजिटिव एनर्जी आए और नेगेटिव एनर्जी थोड़ी सी चली जाए। इस टाइम मैंने ना क्यारी में सामग्री गिरने के बाद अंदर कमरे में रख दी थी थोड़ी सी धूप लगाने के लिए, ताकि घर में भी थोड़ी सी रात की पूजा तो परी ही करती है, कह रही है मम्मी मैं ही दीवा लगाऊंगी, और यह दिया लगा रही थी। और इसके बाद कुछ छोटी कन्याएं भी आती हैं देवी की आरती करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगता है जब ये कन्याएं आती हैं आरती करने के लिए। इस बहाने से कुछ कन्याओं को थोड़ा बहुत दान दिया जाता है, वरना वैसे कहाँ कुछ दिया जाता है। नौरतों के बहाने से कुछ बच्चों को दान दे दिया जाता है, हमारा भी मन खुश हो जाता है और ये छोटी बच्चियाँ आती हैं ये भी खुश हो जाती हैं। वैसे ऐसा ही नहीं कि मैं नौरतों में ही लड़कियों को प्यार करना चाहिए या उनका वो करना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। कन्या तो हमेशा कन्या ही होती है, ये देवी का दूसरा रूप होती है। और शाम के टाइम जब बच्चों के व्रत खुले तो इन्होंने बनवाई थी सांभर के चावल की खिचड़ी, सबको बहुत ही टेस्टी लगी। हरी मिर्च, काली मिर्च पिसी हुई, टमाटर और देसी घी में जीरे का तड़का, और बिल्कुल ताज़ी फ्रेश मीठी मीठी दही से खाई, और हमने भी थोड़ी थोड़ी खाई तो हमें भी बहुत अच्छी लगी। के मज़े ही मज़े इनके साथ में। और यहाँ पर मैं साफ रही थी कुटियों के आटे की गिरी, इन गिरियों को घर पर आकर ही पीसें और इसका आटा तैयार कर फिर पकौड़ियाँ बनाएं, तो ये बिल्कुल शुद्ध रहती हैं। और जो आटा हम लाते हैं तो उसमें जारे जल्दी लग जाते हैं, और उसका कोई बाजार का आटे का भरोसा भी नहीं रहता, वह मिलावटी भी होता है। ये अगली रात को हमने पकौड़ियाँ बनाई थी, कुछ कटे हुए आलू की और कुछ बॉइल आलू की। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।